हाँ तो जी, बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा कि कुंडली दिखाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर कुंडली दिखानी कैसे चाहिए। बहुत सारे लोग ना मेरे पास भी कुंडली दिखाने आते हैं कि हमें ये जानना है, हमें ये पूछना है। तो कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन कैसे लेनी है या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस कैसे लेनी है। तो इसमें मैं आपको सबको बताता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए। ठीक जी है, आपको पता होना चाहिए ना कि आप कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो। सेकेंडली, वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी है या नहीं, या वो आपको सही गाइड कर रहा है या नहीं, या उस एस्ट्रोलॉजर को कुछ आता भी है कि नहीं। ठीक है ना। अब देखो, उसमें होता क्या है कि कोई भी इंसान जब हमारी फीस पे करता है ना, तो हमारे ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके फेथ रख के फिर आता है। ठीक है, तो उस वक्त उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना एक एस्ट्रोलॉजर का फर्ज है। ठीक है, अब आप एक इंसान को सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के करना क्या है। ठीक, तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, सबसे पहले वहां पर जाकर के जो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें उसको देनी है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ ये 3 चीजें आपने उस एस्ट्रोलॉजर को बतानी है। ठीक है, अगर वो आपसे कोई फॉर्म फिल करवा रहा है जिसके ऊपर आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछना है या आप क्या क्वेश्चन पूछने आए हो, तो आप प्लीज उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने ही अपना सारा क्वेश्चन जो है वो सामने रख दिया, तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट क्या किया, वो किस लिए फीस ले रहा है। ठीक है, जी जब आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास सामने बैठ गए हो या आप वेटिंग में बैठे थे और आपकी टर्न आ गई है उस एस्ट्रोलॉजर को मिलने की, तो सबसे पहले आप चुप रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि जब आप चुप रहोगे, सामने वाले को डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आपने दे दी, ये 3 ही चीजें मेनली रिक्वायर्ड होती हैं आपकी कुंडली चेक करने के लिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का फर्ज क्या है कि आपकी कुंडली देख करके क्या करे। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर का फर्ज है कि आपकी फिजिकल अपेयरेंस और आपकी कुंडली को मैच करे। ठीक है, वो कैसे होगी, आपका फेस देख करके, आपकी बॉडी देखकर, आपके पैरों को देखकर, हाथों को देखकर, आपके बालों का स्ट्रक्चर देखकर कि बाल कितने स्ट्रेट हैं, कितने कर्ली हैं, उसके साथ साथ बालों की लेंथ कितनी है, आपके आईब्रोज कितने थिक हैं, आपकी आंखों की शेप कैसी है, आपके चीक्स की शेप कैसी है, आपके लिप्स की शेप कैसी है, आपके नाक की शेप कैसी है, आपकी चिन में खड्डा है या नहीं है, या उसकी वो कितनी उभरी हुई है, नाक कितनी उभरी है, कितनी तीखी है, गोल है, कानों की शेप कैसी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें फेशियल स्ट्रक्चर से ही पता चल जाती हैं, जिससे कि आपकी कुंडली की रेक्टिफिकेशन होती है। दूसरी चीज होती है आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली विजिबल तरीके से मैच हो जाती है। चाहे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के ऑफिस में बैठकर कुंडली दिखा रहे हैं, चाहे आप किसी के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑनलाइन भी पॉसिबल हैं और सामने ऑफिस में बैठ के भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब चीजें करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है कि कुंडली की रेक्टिफिकेशन। दूसरे नंबर पे एस्ट्रोलॉजर को खुद प्रिडिक्ट करना है कि आप किस लिए उस एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपके पास्ट की प्रिडिक्शंस शुरू करेगा कि आपके दादाजी कैसे थे, आपके फादर कैसे थे, उनका करियर कैसा था, फैमिली लाइफ कैसी थी। ठीक है, इन सब बातों को कनेक्ट करके फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपके खुद के प्रेजेंट पे आता है कि पास हिस्ट्री में बीमारियां कौन सी रही हैं, प्रेजेंट में आपकी फिजीक, आपका नेचर कैसा है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी एजुकेशन कितनी रही है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि प्रेजेंट में जो भी आपकी दशा चल रही है, जो भी आपका 35 वाला चक्कर में प्लैनेट चल रहा है, उसके लिहाज से एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में ये चीजें प्लस पॉइंट्स में हैं, ये चीजें नेगेटिव पॉइंट्स में हैं, और पर्टिकुलरली आप इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने मेरे पास आए हो, ये एस्ट्रोलॉजर खुद प्रिडिक्ट करता है। मैं खुद ऐसे ही करता हूं। जी
ठीक है, सामने वाले जो क्लाइंट बैठा होता है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये पूछना है। एस्ट्रोलॉजर को खुद प्रिडिक्ट करना आता है कि इन सामने वाला जातक मेरे से ये सवाल पूछने आया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई पास्ट प्रिडिक्शंस और प्रेजेंट प्रिडिक्शंस साथ में कुंडली रेक्टिफिकेशन। उसके बाद किसी भी क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजर के सामने बोलना शुरू करना चाहिए कि मुझे इन क्वेश्चंस के साथ साथ मुझे ये सवाल भी पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है, या फ्यूचर के रिगार्डिंग आप क्या पूछना चाहते हो। लेकिन उससे भी पहले एस्ट्रोलॉजर भी प्रेजेंट डिस्कस करे, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर खुद फ्यूचर प्रेडिक्ट करे कि आपके साथ फ्यूचर में ये चीजें होंगी। ठीक है, ये सब चीजें जब एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर देता है उसके बाद जो है वो आप उस एस्ट्रोलॉजर से उपाय लीजिए। अगर उसने वो सब चीजें सही प्रिडिक्ट करी हैं प्रेजेंट तक, अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपके बिना बोले आपके प्रेजेंट को बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करता है, फिर आप उस एस्ट्रोलॉजर से लिए गए उपाय कीजिए। अगर एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट नहीं किया है तो वो सिर्फ आपकी बातों को जस्टिफाई मैनिपुलेट करके आपको इम्प्रेस करके भेज देगा। अगर उसने प्रिडिक्ट सही किया है तभी उसको पता है कि कौन सा प्लेनेट आपको परेशान कर रहा है, तभी आप उसके दिए गए उपाय कीजिए, अदरवाइज उसके उपाय मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कि एक एस्ट्रोलॉजर अगर आपको सिर्फ आपकी बातों से मैनिपुलेट करके बहुत बड़े खर्चे सुना रहा है या स्टोन्स बेच रहा है या पूजा बेच रहा है लेकिन उसने प्रिडिक्ट कुछ नहीं किया, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उसको एक रुपया भी जो है उसकी चार्जेस के अलावा मत दीजिए। ठीक है, कभी भी आपको फ्री कुंडली भी नहीं दिखानी चाहिए। फ्री कुंडली दिखाने से आपको भी नुकसान होगा, एस्ट्रोलॉजर को भी नुकसान होगा, फीस पे कर दीजिए। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सका, प्रेजेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सका, तो इसके अलावा और कोई पैसा मत दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ लूट ठगी होगी। ठीक है, ठीक है। ये एक सही जेन्युइन तरीका है किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेने का। अगर ये चीजों पे वो खरा उतरता है उसे कुंडली दिखाइए, पूछिए, अगर नहीं उतरता मत पूछिए।